बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा अगर पूरी दुनिया में भारत की किसी चीज की तारीफ की जाती है तो वो यहाँ का स्वादिष्ट मसालेदार खाना। दुनिया भर के लोग खासकर भारत के टेस्टी खाने को ही चखने के लिए आते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए आपको उन मशहूर व्यंजनों के बारे में बताते हैं जो असल भारत की देन नहीं है। नंबर एक, राजमा चावल। जिस राजमा को उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो असल में भारत का नहीं है। राजमा को शुरुआत रूप से भारत में कहीं उगाया नहीं जाता था, इसे अपने साथ पोर्चुगीज लेकर आए थे। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि राजमा को भिगोकर, उबालकर और मसालों के साथ तैयार करने की विधि भारत की नहीं बल्कि मैक्सिको की है। लेकिन भारतीय मसालों की वजह से राजमा को हमने एक अलग ही स्वाद दे डाला है। नंबर दो, जलेबी। भारत में इस देसी पकवान को कई अलग अलग तरीकों से परोसा जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि स्वादिष्ट जलेबी का जन्म भारत में नहीं हुआ। ये पकवान फारसी आक्रमणकारियों के साथ भारत आया था। आपको बता दे, जलेबी नाम मिठाई के फारसी नाम जलेबिया या जुलाबिया से आता है, जबकि इसे अरबी में जलाबिया कहा जाता है। नंबर तीन, समोसा। दुनिया भर में भारतीय समोसा इतना फेमस है कि इंडियंस के बारे में जहां भी बात होती है उनके दिमाग में सबसे पहले समोसा का ख्याल आता है। आलू से भरे स्नैक ने कई समय से लोगों को एक साथ जोड़कर रखा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, समोसा भारत में मिडल ईस्ट से आया है। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इस पकवान को मध्य पूर्वी इलाके के व्यापारियों द्वारा पहली बार भारत लाया गया था। नंबर चार, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खोया की बॉल्स बनाकर चाशनी में भिगोया जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पकवान को कभी इस तरीके से नहीं बनाया जाता था। भारत की मेन डिश बनाने से पहले फारसी लोग इसे शुद्ध शहद में भिगोकर खाते थे, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। आपको बता दें, गुलाब जामुन का मूल नाम पहले लुकामत अली कदीक था। नंबर पाँच, चाय। भारत में चाय के दीवानों की संख्या अनगिनत है। चाय पीने वाले शौकीन लोगों को हम बता दें कि चाय की शुरुआत चीन में हुई थी। चीनी लोग चाय को हर्बल टी की तरह इस्तेमाल करते थे। चीनी लोग को हर्बल चाय पीते हुए देख अंग्रेजों ने इसे भारत में लाने का फैसला किया। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व भारत में लोगों को चाय की खेती की कला भी सिखाई और अब ये चाय भारत के लोगों की जरूरत बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत